वैसे तो यह पूजा होली से पहले एकादशी को की जाती है, पर कुछ लोग इसे होली पर भी करते हैं, तो मैंने इसे होलिका दहन वाले दिन किया था। और ज़्यादातर लोग इसमें पीले की पोशाक पहनते हैं, पर मैंने इसमें फाग पहना है। ज़्यादातर पीले की पोशाक तब पहनी जाती है जब आपके लड़का होता है। व्हाइट ड्रेस पहनाई है, तो जब ढूंढ पूजा करते हैं तो बच्चे को पहली बार सफेद कपड़े पहनाते हैं, तो आज शीनी को भी सफेद कपड़े पहनाए हैं पहली बार। और शीनी बहुत ही क्यूट लग रही है। तेरी डॉगी कैसे पता? तो आइए शुरू करते हैं शीनी की ढूंढ पूजा। सबसे पहले एक पानी से भरा हुआ कलश लिया जाता है, जिस पर बनाया जाता है साथिया रोली से, और उस पर लगाए जाते हैं चावल। फिर उस पर बांधी जाती है मोली। पूजा शुरू करती है बच्चे की बुआ। अगर बुआ नहीं हो तो जेठ की बेटी भी पूजा कर सकती है, या फिर लड़की की बहन भी है पूजा कर सकती है। तो ढूंढ पूजा पर सबसे पहले बच्चे को लगाया जाता है सीधा तिलक। इससे पहले हमेशा बच्चे को किसी भी पूजा में अगर बिठाया जाता है तो उसे आड़ा तिलक ही लगाया जाता है। तिलक लगाने के बाद बच्चे को मोली बांधी जाती है, और इसके बाद माँ को भी तिलक लगाकर मोली बांधी जाती है। बाद माँ और बच्चे पर पैसे वारे जाते हैं, और यह पैसे दिए जाते हैं ढोलन जी को। अगर ढोलन जी आप नहीं बुलाइए तो आप किसी काम करने वाले को भी यह पैसे दे सकते हैं। के बाद सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद लिया जाता है, और माँ के द्वारा चारों दिशाओं का भी आशीर्वाद लिया जाता है।
उसके बाद घर के सभी बड़ों का आशीर्वाद लिया जाता है। के बाद जो भी सामान आपके पीहर से आता है या फिर बुआ लेकर आती है या फिर घर के बड़े जो भी सामान लेकर आते हैं वह बच्चे को और माँ को दिए जाते हैं। इन सामानों में खिलौने, मिठाइयाँ और कपड़े होते हैं। बात किया जाता है माँ द्वारा उछाल। यह उछाल किया जाता है बच्चों के लिए और इस उछाल में डाली जाती हैं ज़्यादातर खील, पताशे, मुरमुरे, पॉपकॉर्न्स और टॉफियाँ। अगर आपने गौर किया होगा तो भगवान कृष्ण के पैदा होने के बाद भी मंदिरों में उछाल किया जाता है अगले दिन। आपके भी घर में कोई छोटा बच्चा है और आपने भी इस बार की है ढूंढ पूजा तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। होप आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खमागनी।